नमो वीतरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो आयरियानम नमो वत्सायानम नमो वत्सायानम नमो लोये सर्वसाहुनम नमो लोये सर्वसाहुनम ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पाव प्रणासनो सब पाव प्रणासनो मंगलानंच सर्वेसिं मंगलानंच सर्वेसिं परमं भवै मंगलम परमं भवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम सत्यदेव 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 परम सत्यदेव 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 जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों और सहायक संयोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काय से
इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी साधवाद वाणी, साधवाद वर्तन, और साधवाद मनन करने की परम शक्ति दो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ज्ञानी भगवंतों की भाषा एकदम सरल है। वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको संसार में सुख दुख पसंद है तो आपको संसार में जीना का अधिकार है, और इसके लिए अगर अच्छा इंसान बनोगे, जिसको हम कहते पांच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, अनिर्वचन, इसका जितना पालन करोगे इतना आपको इंसान के नाते लाभ है। और अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, ये मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो संसार में सुख ही नहीं है, दुख भी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। संसार का मतलब होता है बंधन, जिसे कोई छूट सकता है, भुगतना ही पड़ेगा। क्या बताया? हम जिसको सुख मानेंगे वो भी भुगतना पड़ेगा, और दुख माने वो भी। तो कुदरत की भाषा में सुख दुख नहीं है, हमारी मान्यता के ऊपर सुख दुख है। क्या बताया? एक कहता है मेरे को शादी नहीं करने में आनंद आता है, एक कहता है मेरे को शादी करने में आनंद आता है, तो ये क्या है? मान्यता। एक कहता है बच्चे है तो आनंद आता है, एक कहता है नहीं है तो अच्छा है, तो ये क्या है? एक कहता है कि पैसे बहुत ज्यादा कमाने से आनंद आते हैं, एक कहता है पैसे जरूरत वाला मिल जाएगा तो बहुत हो गया। तो सबकी अपनी अपनी क्या है? चॉइस है और मान्यता है, इसमें कोई ठोस चीज नहीं है। क्या नहीं है? ठोस चीज। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तो कुदरत क्या कहती है? अगर आपको संसार में जीना है तो पापों से बचो और पुण्य करो, और आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, तो आपको सब कुछ संजो अच्छे मिलेंगे। अगर आपको संसार से मुक्त होना है तो क्यों मुक्त होना है पहले समझो। तो कि मुक्त इसीलिए होना है कि हमको कर्म का बंधन नहीं चाहिए, जन्म मरण का चक्कर नहीं चाहिए, यहाँ का सुख भी नहीं चाहिए और दुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों बंधन है। तो फिर ज्ञानी पूछेंगे कि भाई हमको संसार में से मोक्ष में जाने की क्या जरूरत है, यहाँ सब कुछ मिलता है। तो कुदरत कहती है देखो ये माया की जाल है। क्या है? हाँ, यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ छोड़ के जाना है। नहीं समझ में आया? जो कुछ भी मिलता है सब कुछ छोड़ के जाना है। तो आप कौन के मैंने पाया है वो आपकी भ्रांति है। आपके पास टेम्पररी है, वो भी कर्मों के हिसाब से, आज और कल चला जाएगा, क्योंकि ये पाप पुण्य का खेल है, ये हमारी मेहनत का खेल नहीं है, पाप पुण्य का खेल है। लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खड्डा खोदते हैं, खोदते हैं ना, फिर भी उनको 400-500 मिलता है पूरे दिन का। तो मेहनत से नहीं मिलता है, बुद्धि से नहीं मिलता है, बहुत सारे बुद्धिशाली मुनि होते हैं, पुण्य से मिलता है। क्या बताया? आज मुख्य सम्मानी ने क्या कर दिया, हमारे सबके घर में एटीएम लगा दिया, वो पैसा खींचता रहता है हर महीने, खींचता है कि नहीं, ये पुण्य है उसका, वो हमारे घर पे नहीं आते, हम अपने सामने से डाल देते, बराबर है कि नहीं, ये उसका पुण्य है। पुण्य का मतलब ही तो एटीएम है, एटीएम है ना, आपको अपने आप मिलेगा, पड़ा है वहां, समय पे मिल जाएगा आपको, बस आप समझे। तो ये बात है, तो इसीलिए तो ज्ञानी ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, प्राप्ति जैसी भी चीज नहीं है, सिर्फ भुगतान है। क्या है? अगर आपने बहुत मेहनत किया, बहुत पुण्य था आपका, हाँ, तो आपको 50 करोड़ रुपया मिल गया, मगर लाइफ में आपने 5 करोड़ रुपया का यूज किया, कितने का यूज किया?
तो 45 करोड़ रुपया छोड़ के ही जाना है, वो नेक्स्ट मंथ में नहीं आएगा। आपका पुण्य खत्म हो गया, आपके दिमाग में आ गया कि मेरे पास है, खत्म हो गई, उपयोग करो यार। फिर आगे आज कैसा पुण्य किया है वो आएगा, ये पैसा नहीं आएगा। तो माया की जाली है ना, मेहनत करने के बाद, प्राप्त करने के बाद भी छोड़ देना। अगर हर अवतार साथ में आता है तो बराबर, चलो भी एक अवतार मेहनत कर ले, 50-100 करोड़ बना ले और बाकी के 5 अवतार आराम करे तो बराबर है। तो फिर ये माया की जाल नहीं है, मगर ये माया की जाल है। कुछ भी पाओगे सब कुछ छोड़ना है, और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं इसीलिए मुक्ति की जरूरत है। जहाँ शाश्वत सुख है, क्या है शाश्वत सुख का मतलब होता है ये संसारी सुख है वो आपकी मान्यता है, वो सच्चा सुख आपकी मान्यता है, हर चीज में मान्यता। आप कहोगे मेरे को ये कपड़ा पसंद है, दूसरों को ये कपड़ा पसंद नहीं है, तो मान्यता हो गई ना। कपड़े के अंदर सुख देने का स्वभाव, मेरे को ये घर पसंद है, कोई कहता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर क्या हो गई मान्यता। कोई कहता है मेरे को कार चाहिए, कोई कहता है नहीं चाहिए मेरे को, भी जरूरत ही नहीं मेरे को, पैसा है जरूरत नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्या है मान्यता। तो कोई वास्तविकता थोड़ी है कि इसमें सुख है ही, हमारी मान्यता है। तो लगता है कि मान्यता चेंज हो गई, तो आज पहले दुकान, सबसे पहली बार दुकान शुरू किया अपने धंधे के लिए, तब आपके लिए ऐसा, चलो भैया दुकान अच्छी चलती है, ये हमारे लिए स्वर्ग जैसा है, पैसा देती है। तो फिर 2-5 साल वो अपना भी छोड़ दो, दूसरे ले लो, फिर छोड़ दो तीसरी ले लो, तो आपकी मान्यता चेंज हो गई ना, मान्यता ही चेंज हुई ना। हर समय जब इसमें सुख मिलता था तो फिर छोड़ने की क्या जरूरत थी, नहीं अभी मान्यता ऐसी नहीं, कभी इसमें से इसमें जाएंगे, इसमें से इसमें जाएंगे, हर बात मान्यता के ऊपर आधारित है। इसमें से सुख दुख है नहीं। अगर कोई भिखारी को मैंने 5 रुपया दे दिया तो उनके लिए आनंद की बात है, अगर कोई BMW में से उतरेगा उनको 5 रुपया दूंगा तो इंसल्ट लगेगा। बाकी मान्यता ही तो है, देने वाला मैं हूँ, 5 रुपया भी वही है, आपकी मान्यता ना, आपकी मान्यता ना। तो सुख दुख वास्तविकता है कि मान्यता है। हम कहते हैं कि सभी तीर्थंकर राज घराने में पैदा हुए, सभी राजकुमार थे, वैभव की कोई कमी नहीं, तो फिर सब कुछ छोड़ के सब तीर्थंकर क्यों चले गए जंगलों के अंदर जहाँ कुछ भी नहीं है, न सुख है, न खाना पीना सुविधा कपड़ा कुछ भी नहीं है, रहने का घर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्यों गए, इतनी सारी सुविधा छोड़ के क्यों गए? माया की जाल से बाहर निकले। अभी आप समझ गए, तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ कोई सुख जैसी चीज, ये तो बंधन है, क्या है सुख मानते हैं मगर है ये तो बंधन है, बॉन्डेज। तो ये बंधन से मुक्ति पाने के लिए उस रास्ते पर गए, और यार जो सुख दुख लगता है वो तो आपकी मान्यता है, वास्तव में सुख दुख है नहीं, वास्तव में आपके कर्मों का फल है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम जीवन में जो कुछ परिस्थितियां होती है इसको हम स्वीकार नहीं करते, और यही राग द्वेष का कारण है, स्वीकार नहीं करते। वो सुख दुख जो भी आता है स्वीकार करो, निमित्त कोई भी हो सकता है, हिसाब मेरा है। राम को वनवास जाना पड़ा, स्वीकार किया, हम स्वीकार नहीं करते। हम जब बचपन में झोपड़ी में पैदा होते हैं तो स्वीकार करते हैं, बड़े होने के बाद झोपड़ी मिलती है स्वीकार नहीं करते हैं। जो पैदा होते वो भी आपका उदय कर्म है, और बाद में मिलता है वो भी, और मेल मिलता है वो भी उदय कर्म है, सुविधा मिलती है वो भी उदय कर्म है, और दुविधा मिलती है वो भी, मग स्वीकार नहीं करते हम, कैसा क्यों, बस इसी से फिर राग द्वेष चालू। तो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, जो हमारे सामने है जो भी संजोग इसका तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, मगर नहीं करते, बोला नहीं इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, ऐसे करके दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं। जब हम पैसा कमाते तो क्या कहेंगे, देखो मैंने अपनी मेहनत से कमाया। हम ये नहीं कहें कि मार्केट में तेजी थी,
हमारे एम्प्लॉय अच्छे थे, हमारे व्यापारी अच्छे थे, हमारे ग्राहक अच्छे थे, तो इसीलिए प्रॉफिट मिला। वो ऐसा नहीं कहेंगे प्रॉफिट हुआ तो मेरी वजह से हुआ, और लॉस हुआ तो क्या कहेंगे? एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आते थे और माल भेजने बिजनेस पर माल भेजने वाले ने माल टाइम पे नहीं भेजा, या तो कस्टमर नहीं आए या तो मंदी आ गई, इसीलिए प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जब प्रॉफिट कम होता है तो दूसरे को ऊपर करते हैं, और ज़्यादा होता है तो अपने ऊपर। तो ये दोनों बातें इसमें कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा हुआ तो भी समझोगे और बुरा हुआ तो भी। मगर हमारी सोच ऐसी हो गई कि अच्छे को स्वीकार करो और बुरे के लिए किसी के ऊपर टाल दो, थोप दो, और इसीलिए फिर वास्तविकता समझ में नहीं आती। तो कुदरत यही कहती है, ये सोना चांदी डायमंड पैसा सब कुछ आपको मिलेगा, जहर जवेरा जमीन सब कुछ मिलेगा, मगर ये सिर्फ आपको उपयोग करने के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? उपयोग करने के लिए। आप ले जा सकते हैं तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ी कंपनी है चेन्नई में, वो सभी को एम्प्लॉयमेंट दे देती है कि जो भी आएंगे हम सबको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, और हमारी ये कंडीशन रहेगी कि आपको घर से लेने के लिए आएंगे और छोड़ने के लिए आएंगे। क्या बताया हमारी गाड़ी वाला, यहाँ आपको खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, एयर कंडीशन कमरा होगा, आपको 12 घंटा काम करना है, अगर आपको रहना है तो रहने की सुविधा भी मिलेगी, और शाम को खाना भी मिलेगा, आप सब कुछ मिलेगा। इतनी सुविधा मिलने के बाद भी सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करोगे? समझ में आ गया? तो कुदरत यही तो कहती है, यहाँ आप खेलो, पढ़ो, शादी करो, बच्चे करो, पैसा कमाओ, सब कुछ बसाओ, मगर ले जाना यही तो है ना, यही है कि नहीं? तो वहां मेहनत नहीं करेंगे, यहां तो करेंगे, बेलिंग ले जाएंगे तो भी। इसको तो माया की जाल बोलते हैं। माया की जाल का मतलब क्या है समझ में नहीं आता है। बात तो एक ही है ना, वहां भी नहीं ले जाने का, यहां भी नहीं ले जाने का है। तो हमारी दृष्टि छोटी होती है तो बात समझ में नहीं आती है, तो बड़ी बन जाती है तो कोई बात समझ में आती है। यहां कोई चमत्कार की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि साधु बनने की जरूरत नहीं है, सरल होने की जरूरत है, और अपनी दृष्टियों को वास्तविकता की ओर ले जाना, श्रद्धा में नहीं सिद्धांत में, जो सबके लिए एक अलग अलग नहीं है, अलग अलग है वो तो भ्रांति है। थोड़ा इतना रखना, बिल्कुल बाय। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता हम नहीं समझ सकते, वही तो हमारी मजबूरी है। और धर्म वाले वो वास्तविकता बताते नहीं है। धर्म वाले क्या कहेंगे? हम जो कहेंगे उसी को भगवान मानो, हम जो कहेंगे उसको गुरु मानो, हम जो कहेंगे वही मंदिर में जाना है, हम जो कहेंगे वही मंत्र बोलना है, हम जो कहेंगे वही शास्त्र पढ़ना है, और वर्तमान में भी हम जो कहेंगे इसको ही गुरु शिष्य मानना है, हम जो कहेंगे वही क्रिया करनी है, हम जो हमारी संस्था है उसको ही संस्था मानना है। आप समझे? तो हर धर्म वाले यही कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? ये तो फॉर्मेट हो गया। इसमें सनातन सत्य क्या है? हर फॉर्मेट में सबका सत्य क्या है? अलग अलग है। आप समझे ना? और इसीलिए तो बाद में कट्टरता पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? मेरा सही तुम्हारा गलत, मेरा भगवान बराबर तुम्हारा नहीं है, हर बात में कट्टरता हो जाती है। तो वास्तविकता समझ में यही तो बात है। तब ज्ञानी कहते हैं ये सनातन सत्य तो ये फॉर्मेट का धार्मिक सत्य से ऊपर है, जो सबके लिए एक है। ये तो फॉर्मेट सबके लिए क्या है? अलग अलग है, एक नहीं है। और यही तो पक्ष पंथ से हमको वास्तविकता समझ में नहीं आती है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे दुनिया कैसे समझोगे?
अगर आप संप्रदाय के ढांचे से बाहर नहीं निकलोगे तो वास्तविकता कैसे समझ में आएगी? आप समझे? तो इसीलिए क्या नहीं कहते कि दुनिया का सनातन सत्य समझने की कोशिश करें। अगर वो समझेंगे तो आगे बढ़ने का मार्ग है, नहीं तो नहीं। समझ में आए? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या? नहीं आई? लगता है समझ में आ रही है, क्योंकि ज्ञान तो नहीं है, हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, मैंने जो बातें बताई वो समझ में आई कि नहीं? हाँ, मैं उसकी बात करता हूँ, मैंने शास्त्रों की बात नहीं करता हूँ। जो बताया वो समझ में आया? इसमें और आगे जानना है, और कुछ प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, और जितना प्रश्न करोगे इतना आपको समाधान मिलेगा। सबकी बात है। एक तरह से कंफ्यूज माइंड में हैं अभी, इसलिए जो भी हमें प्रश्न करना है हम लास्ट थोड़ी देर बाद लास्ट में करेंगे। अच्छे थोड़ा हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छे। थोड़े प्रश्न हैं तो हमने लिख के रखे हैं, क्योंकि उनका खुद से समाधान नहीं होता। तो लाए लाए हैं लाए हाँ। मेरे को दे दो, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, वो तो मेरे को पसंद आएगा। आप लिख के लाए तो अच्छी बात है। हम शिविर में यही तो करते हैं, 200-300-400 प्रश्न आते हैं, सब लेके आते हैं, अलग अलग पढ़ने से उत्तर दे तो इजी हो जाता है। जैसे आपने बताया अभी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान इसमें बिल्कुल नहीं है, तो कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक हो। अभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करते हैं, तो इससे क्या हमारे कर्म, जो अभी आप हम मानते हैं कि जो भी हो रहा है अभी आपसे हम मिले वो भी हमारा पूर्वजन्म का फल है। अभी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ मेरा लड़का पढ़ रहा है अच्छी तरह से हो जाए, या उसे कोई तकलीफ है वो मिट जाए, तो क्या इस तरह के कर्म उसको जो खुशी होती है या दुख होता है तो वो हमारे ऊपर भी असर आता है? तो जब हम भगवान से विनती करते हैं क्या वो कर्म मिटते हैं? क्योंकि हमें ये आभास होता है जब हम सब कुछ छोड़ के भगवान के चरण में चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तरह की शांति तो मिल रही है। अभी वो कर्म मिट रहे हैं या वो होना ही था वो हो रहा है ये तो हम नहीं बता, क्या वो कर्म हल्के होते हैं? सबसे पहली बात ये है कि मंदिर जाना वो अपनी शांति के लिए है, और मंदिर जाने का मतलब होता है हम जिस प्रकार से हमारा कुल धर्म लेकर आए उसके मुताबिक हम मंदिर जाते हैं, आप समझो, और भगवान के पास प्रार्थना करते हैं जो भी करनी है सबको। तो प्रार्थना करने से हमारे जो कर्म है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि भगवान को भी अपने जीवन में सभी प्रकार के कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। वो खुद भी अपने जीवन में कर्मों के भुगतान से बच नहीं सके। रामकृष्ण मायूर सब की बात करता हूँ, ठीक है। इसीलिए धर्म करने से या मंदिर में जाने से कर्म कम ज़्यादा नहीं होंगे, मगर आपकी मानसिकता थोड़ी शांति मिलेगी, और भगवान के सहारे जीते हैं तो आपको एक प्रकार का विश्वास होता है, चलो मेरे साथ भगवान है और मैंने उसको प्रार्थना कर दिया है, तो एक संतोष होता है। क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कहेंगे कोई बड़ा मिनिस्टर है तो हमारे पहचान वाला है, तो मैं क्या कहूँगा कि हमको जॉब दिला दो, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो, तो हमने दे दिया, तो संतोष होता है कि अभी कभी ना कभी वो बुलाएंगे हमको, बुलाए ना बुलाए वो समय की बात है, मगर चिट्ठी देते तो अभी हमको आनंद होता है ना। ऐसे भगवान को हमने अर्जी कर दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है आप हमको सॉल्व कर दो, तो आपको लगता है कम से कम हमने अर्जी तो कर दी अपनी, अरेस्ट तो कर दी उनको, तो ये मानसिक संतोष हो सकता है, कर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। समझ में आया?
दूसरी बात है कि वास्तव में हम जिसको भगवान मानते हैं, जिसको भी कोई भी नामधारी है, क्या वास्तव में वो भगवान है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या उनके पास कोई भी प्रकार की स्वतंत्र शक्ति है, ये दूसरी बात। ये दो बातें पहले समझनी पड़ेगी। समझ में आया? तो पहले हम जिसको भगवान मानते हैं वो भगवान है कि नहीं, पहले हम इसको प्रूव करें। क्या करें? प्रूव करें। समझ में आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान नामी होते हैं क्या नामी? बोलिए। ये तो मान के ही चल रहा है। नहीं नहीं, हमको पहले मानना एक अलग बात है और वास्तविकता जानना अलग। मानना तो किसी को भगवान मान सकते हैं। किसी हम किसी को नहीं बोल रहे, जैसे भगवान शिव है तो वही मान के ही चलना। मैं वही कहता हूँ, आप कोई भी नाम ले लो, यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपल बात है कि भगवान नामी हो के या अनामी, क्योंकि जिसका नाम है इसका नाश है, वो तो आपको मालूम है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, ये कानून सबके लिए क्या है, एक है। तो जिसका नाम कहोगे इसका नाश है, तो भगवान नाम भी नहीं हो सकते। दूसरी बात, भगवान रूपी है कि अरूपी? जिसका रूप है उसका भी नाश है। कोई भी रूप है मगर रूप है तो नाश है। तो भगवान अरूपी है, अनामी है, अरूपी है। तीसरा, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर है? भगवान ने मानुष अवतार लिया है तो उनका भी जन्म मरण हुआ कि नहीं? तो जन्म मरण वाले भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान शाश्वत होते हैं। क्या होते हैं? शाश्वत। और दूसरी बात, भगवान टेम्पररी है कि परमानेंट है? परमानेंट। तो हम जो जिसको भगवान मानते हैं वो नामी है, रूपी है, जन्म मरण वाले हैं और टेम्पररी है। तो चारों में से एक भी बात भगवान को लागू नहीं होती है। नाम कोई भी लगा दो, नाम से इम्पोर्टेंट नहीं है, सिद्धांत से इम्पोर्टेंट है। आप चाहे राम लगा दो, कृष्ण लगा दो, महावीर लगा दो, शिव लगा दो, स्वामी लगा दो, प्रिंसिपल एक ही रहेगा। यह व्यक्ति के टाइटल की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है, जो सबको क्या है, एक ही लगेगा। तो इसलिए भगवान नाम ही नहीं होते, रूपे नहीं होते, जन्म प्रवाह नहीं होते और परमानेंट होते हैं। तो अभी कहोगे तो भगवान कहोगे किसको फिर? भगवान अगर कोई नामधारी व्यक्ति, शरीरधारी व्यक्ति भगवान नहीं है तो फिर भगवान किसको कहेंगे? बोलिए। ज्योत में ज्योत विराजमान है, ऐसे बोलते हैं ना, ज्योत में ज्योत विराजमान है। मगर मैं समझ गया, मगर ज्योत में तो आकार है ना? प्रकाश है। आकार है ना, निराकार तो नहीं है। ज्योत लगाओगे तो आकार तो है ना। तो भगवान कौन है? भगवान है अपना खुद का आत्मा। आत्मा ही परमात्मा होता है, जब अनुभव में आता है तो परमात्मा है, अनुभव में नहीं आता है तो वो आत्मा है। मगर आत्मा का नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है और परमानेंट है। हाँ के ना? बस। तो इसमें किसी को दिक्कत हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मेरा तेरा हो सकता है, तुम्हारा भगवान बड़ा मेरा भगवान छोटा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति को लाज होंगे तो झगड़े होंगे, ये तुम्हारा भगवान है मेरा भगवान होगा कि नहीं। मगर आत्मा को भगवान कहेंगे तो दूसरा पद में आता है, जैसे जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, सोने को दर्शाने चाकने का। समझ में आया? तो पहले भगवान की परिभाषा तो समझो, जो सबके लिए एक है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सबके लिए एक है। और व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो तो संप्रदाय है, हर संप्रदाय में अलग अलग भगवान, और एक दूसरे को मानते नहीं है, मानते नहीं है। तो भगवान के अंदर भी पार्टी हो गई, ये तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी पार्टी। तो इसीलिए सच्चाई हमको मालूम, यही गड़बड़ है। दूसरा स्टेप आता है, भगवान
क्या कर सकता है? कोई भी भगवान जिसको हम भगवान मानते हैं वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। भगवान कुछ नहीं कर सकता है। हमारी आस्था है। क्या बताया? एक सज्जन सेठ थे, मंदिर के समय भगवान के मंदिर में गए, दोपहर का बिल्कुल फ्री बैठे थे। चलो मंदिर खुला है तो वहाँ भगवान का दर्शन करके आए, वैसे भी तो बिजनेस नहीं चलता है, तो मंदिर में गया। उस समय कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अकेला वो पुजारी बैठा था कोने पर, और सेठ गए अंदर और भगवान के सामने अगरबत्ती जलाई और फिर भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा जो बिजनेस अभी मंदिर में चल रहा है वो अच्छा चले, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप समझे। तो ये उन्होंने प्रार्थना किया भगवान को, प्रार्थना करके वो बाहर जा रहे थे तो पुजारी ने पूछा कि सेठ जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो बोला मंदी का समय है तो मेरा बिजनेस अच्छा चले वैसे मैंने प्रार्थना किया। तो पुजारी बोलते हैं तुमने 2 मिनट प्रार्थना किया उसका फल चाहिए, मैं 3 साल से यहाँ खड़ा हूँ मेरा सैलरी नहीं बढ़ता है, नहीं समझ में आया, मैं 3 साल से 24 घंटा यहाँ हूँ मगर सैलरी नहीं बढ़ता है और तुमको 2 मिनट में फल चाहिए, नहीं समझ में आया। तो भगवान तो वही है ना, भगवान तो वही है ना, पुजारी का काम नहीं होता है तो हमको 2 मिनट में करना है। यानी सबकी अपनी अपनी एक श्रद्धा है, मान्यता है, वास्तविकता नहीं। श्रद्धा तो किसी को भी कर सकते हो, पत्थर को भी भगवान मान सकते हो, पानी को भी मान सकते हो, पेड़ को भी मान सकते हो, कौन मना करता है? यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है, वास्तविकता क्या है वो समझना है। श्रद्धा से तो सब कुछ बराबर है और दुनिया चलती है और चलती रहेगी। जिनको दुनिया की सच्चाई समझ में आ गई यो फिर ये दुनिया के अंदर इसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नई समझ में आती है तभी इंटरेस्ट रहता है। आपके कहने का मतलब है मंदिर जाना वास्तविकता नहीं है। मंदिर जाना अवास्तविकता नहीं है, मंदिर में भगवान है वो सिर्फ श्रद्धा की बात है और हमारी धार्मिक परंपरा, सच्चे भगवान नहीं। मंदिर तो भगवान भी हम लाए, मंदिर भी हमने बनाया, प्रतिष्ठा भी हमने करवाई, पूजा भी हम करते हैं, आरती भी हम करते हैं, और अगर कई साल के बाद खंडित होती है तो उसको उठा के दूसरी भी हम ही लगाते हैं, नहीं समझ में आया, सही है कि गलत है? सही है। यानी भगवान का जन्म और मृत्यु ये सब हमारे हाथ में हो गए। ऐसा तो बोलना पड़ेगा, जब जिंदे व्यक्तियों को बदल नहीं सकते तो पत्थर की मूर्ति को बदल सकेंगे? अगर कोई गुरु कहता है कि मैं अपने शिष्य को समझा नहीं सकता जो जिंदा है तो पत्थर को बदल सकते हैं? मगर श्रद्धा की बात अलग है, श्रद्धा के तो दुनिया में कुछ को भी करने का अधिकार है, श्रद्धा की बात नहीं है। हमको सिद्धांत क्या है, वास्तविकता क्या है वो समझना है, क्योंकि हमको भ्रांति तोड़ना है। क्या करना है? मंदिर में नहीं जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर में जाना ये हमारा कुल धर्म है। क्या है? कुल धर्म। और हम बातें करते कुल धर्म तो चलता रहेगा मगर दृष्टि के अंदर मूल धर्म समझ लो, खत्म हो गई बात। तो मूल धर्म तो दृष्टि का है और कुल धर्म क्रिया का है, तो दोनों में झगड़ा नहीं है। तो नारायण देव तो क्यों वो रिस्पेक्ट करते हैं? क्या करते हैं? क्योंकि सब ये पंच परमेष्टि थे, सभी ने जो पुरुषार्थ किया वो मुक्ति के लिए किया और हमको भी वहां जाना है तो इसको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपके लाइन के 5 व्यापारी यहाँ आएंगे तो आप मिलने के लिए जाओगे नहीं जाओगे? और कोई आए तो आप नहीं जाओगे? आपकी लाइन के हैं। अगर आपका कपड़े का बिजनेस है और कोई यहाँ फर्नीचर का बड़े बड़े व्यापारी आएंगे तो आप जाओगे? नहीं जाओगे? आप समझे कि नहीं? तो दूसरे के विरोधी नहीं है मगर आपका कंसर्न
नहीं है। तो ये पंच परमेश्वर का मतलब था, उन्होंने भी अपना जीवन मुक्ति के लिए बिताया और हम उसी रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं, तो इसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी लाइन एक ही है, आप समझे, इसीलिए करते हैं। इनकी पूजा करने की बात नहीं है, इनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप समझे, रिस्पेक्ट कहो विनय कहो जो भी, समझ में आया? समझ में आया। अभी हमारे धर्म और उसमें कितने ही मतलब क्रिया कर्म, हम जैसे ब्राह्मण है तो ये माना जाता है कि संध्या वंदन करो, ये आचार करो, अब ये सब हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा है, ये धार्मिक परंपरा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम ना करें तो कुछ नहीं होगा। आप देखो हिंदुस्तान में सब लक्ष्मी पूजन करते हो और लक्ष्मी के लिए दौड़ रहे हैं, अमेरिका में कोई नहीं करता है, सबके घर में लक्ष्मी है, बोलते नहीं है, तो सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना। मैं सच्चाई की बात करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आप लक्ष्मी पूजन नहीं करो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आपकी मान्यता है, आपकी श्रद्धा है तो करो, मगर सच्चाई तो समझो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मान्यता है वो करो और उससे फायदा नहीं होगा, सच्चाई को समझो, साथ सच्चाई को समझो, ताकि कल अगर हमारे प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिले तो इसको डांटने की जरूरत नहीं है। ये भगवान है, मैंने कितनी पूजा किया, कितना पूजा पाठ किया, आरती किया, नैवेद्य फल चढ़ाए और कुछ फल नहीं मिलता है, ऐसा आप कंप्लेंट नहीं करोगे। जो आपने सच्चा ज्ञान आपके पास विजन में है तो, और नहीं है तो क्या करेंगे, कितना मेहनत किया। एक चाचा थे तो उन्होंने प्रश्न किया था कि स्वामी जी मैंने 50 साल तक मेरे घर के अंदर मंदिर बनाया मार्बल का और हर रोज भगवान की मैं पूजा करता हूँ, 50 साल से कंटिन्यूअस रोज भगवान को पानी से दूध से नहलाना, चंदन से पूजा करना, उनकी आंगी करना, मुकुट लगाना, आरती करना, सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ फल फूल रखना, दीपक जलाना, ये सब कुछ मैं 50 साल से करता हूँ, हर रोज मैं 1 घंटा देता हूँ पूजा के लिए, कितना, 50 साल से, फिर भी कभी वो प्रकट नहीं हुए। बोला इतनी साधना मैंने पत्नी की किया तो वो खुद प्रकट हो जाती। यानी कहने का मतलब यह है 50 साल के बाद उसको ज्ञान हुआ कि ये कुछ फल नहीं देते। तो हमारी श्रद्धा है वो अलग बात है, वो क्या कहता है कि मैं फल, वो कहता है मूर्ति तुम मानते हो तो क्या करोगे, उन्होंने कहा कि मैं फल दूंगा और नहीं देगा तो गलती, ये तो आप मानते हैं, आप समझे कि नहीं, तो आपकी मान्यता है और मान्यता के हिसाब से गलत हुआ तो वो उनकी जिम्मेदारी, आप समझे ना। और इसीलिए हमारी श्रद्धा है तो कुछ भी करो, कौन मना करता है, श्रद्धा से करेंगे तो फल मिलेगा, श्रद्धा से करोगे या श्रद्धा से ना करोगे फल तो नहीं मिलेगा, फल अपने कर्मों के मुताबिक मिलेगा। क्या बताया, शांति मिलेगी, अपने को शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, चलो भगवान के मंदिर में गए हमने प्रार्थना कर लिया, कभी न कभी तो काम होगा, ऐसा करके हम विश्वास कर चलते हैं अपना जीवन, आप समझिए, मगर कुदरत क्या कहे, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। रामकृष्ण महावीर भी अपने जीवन में अपने भुगतान को बदल नहीं सके क्योंकि तो कर्म सत्ता के आगे किसी की चलते ही, समझ में आया, ये बात तो कर्म सत्ता पावर है, तो कर्म करेंगे तो फल तो भुगतान करनी पड़ेगी, भगवान नहीं मानो तो भी करनी पड़ेगी, मानोगे तो भी करनी पड़ेगी, सिर्फ मानसिक डिफरेंस होता है, जब मैं मंदिर में गया और अच्छी भावना हुई वो अच्छी बात है, मंदिर में जाना कोई गलत बात नहीं है, जिस अपेक्षा से जाते हैं वो अपेक्षा पूरी होगी वो जरूरी नहीं, आपके मन को संतोष मिलेगा कि मैंने मंदिर में जाके प्रार्थना कर दिया। अभी ये तो कर्म की बात कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म के कर्म की बात, समझ गए, इस जन्म के कर्म की बात नहीं है, ये इस जन्म के कर्म का भी फल, अभी हमने छोटी उम्र में कुछ अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए
उसका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा या अगले जन्म में ही होगा? ये आपका पूरा जन्म है, ये जन्म वो पैदा होने से पहले ये पूरी लाइफ की डिजाइन पक्की हो चुकी है सबकी। क्या बताया? केवल ज्ञानी की भी डिसाइड हो गई कि ये व्यक्ति को केवल ज्ञान कब होगा, कौन सी जगह पे होगा, कौन से प्लेस पे होगा, वो भी डिसाइडेड। निर्वाण कब होगा वो भी डिसाइडेड। आप समझे? केवल ज्ञानियों का भी डिसाइडेड और आम आदमियों का भी। कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? पता नहीं चलता। एक ही है, पता किसी को नहीं चलता। क्या कर्म कैसा क्या कैसा करेंगे वो पता नहीं रहेगा। नहीं वो तो बताओ, बताता हूँ पहले से उसका प्रश्न का उत्तर दे तुमने। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म लेके आए है इसका परिवर्तन नहीं कर सकते थे। राम को भी वनवास जाना पड़ा कि नहीं? वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? राम की भी पत्नी सीता रावण उठा के ले गए, वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? महावीर को कान में खिला लगाया, वो क्यों परिवर्तन नहीं कर सके? अगर उनके पास शक्ति होती तो चेंज कर सकते थे, मगर ऐसा पावर किसी के पास। हर व्यक्तियों का मन वचन काया वो कुदरती कानून से चलता है। किससे चलता है? और कुदरत का कानून क्या है कि जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। इसमें आपकी पसंदगी नहीं, किया है तो भुगतान करना पड़ेगा। फिर आपका टाइटल कौन सा भी है, आप चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, वासुदेव है या आम आदमी है, कर्म तो भुगतान करना पड़ेगा। आपके स्टेटस से ये कुदरत का कानून परिवर्तन नहीं होगा। तीर्थंकर होगा तो भी वही कानून, वासुदेव होगा तो भी, चक्रवर्ती होगा तो भी वही, और आम आदमी होगा तो भी वही। कुदरत के कानून के आगे पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वो पोस्ट तो हमारे लिए समझने के लिए है। कानून सबके लिए क्या है? समझ में आया? ये है। और दूसरा मैं साइंटिफिक एंगल बताऊँ, साइंटिफिक कि कोई साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करे ऐसा एंगल बताओ। जैसे हमें इस अवतार में मानो के 10 लाख प्रकार के कर्मों के भुगतान लेकर आए। कितने? 10 लाख। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो 10 लाख प्रकार के कर्मों के भुगतान के लिए मेरे को जितना आयुष्य कर्म चाहिए और जितना श्वासोश्वास चाहिए वो मेरे को कुदरत ने पैदा होते ही दे दिया। अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अभी मैं कोई आज नया कर्म बनाऊंगा तो आयुष्य और श्वास कहाँ से लाऊंगा? बराबर है कि नहीं? कर्म तो आपने बना दिया, आयुष्य श्वास तो आपका फिक्स है, वो कम ज्यादा तो फिर कैसे भुगतान आएगी? बिना 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 श्वासोश्वास आएगी तो सिद्धांत तो समझना पड़ेगा ना। पैदा होती ही हमारी लाइफ फिक्स हो गई कि श्वास कितना लोगे। समझ में आया? फिक्स हो गई। आपकी मृत्यु कब है, कहाँ है, किस अवस्था में, वो भी फिक्स। ये जो पूर्व और कर्म ने किया है? कोई व्यक्ति ने नहीं किया है, हमारे कर्म के आधार से फिक्स हुई, और कोई व्यक्ति ने फिक्स नहीं किया। व्यक्ति तो कुदरत तो इसका क्या देती है, रिजल्ट देती है। कुदरत हमको सुख दुख नहीं देती है, कुदरत हमारे कर्मों का रिजल्ट देती है जिसको हम सुख दुख मानते हैं। हाँ बोलिए। ये क्या पूर्व जन्म के जो कर्म की बात कर रहा, मान लीजिए पूर्व जन्म में हम बिल्ली थे, उसको तो चूहे को खाना है, तो वो कर्म भी गलत हो गया या सही हुआ, कोई भी भूख मिटाने के लिए उसे कुछ खाना है? मनुष्य भाव के अलावा कोई भी जीव कर्म चार्ज कर सकते नहीं है। बाकी सभी अवतारों गति में कर्मों की भुगतान है। देवलोक में देव भी कर्म नहीं बना सकते हैं, पशु योनि भी नहीं है, नरक योनि में भी कर्मों की, तीनों गति में कर्मों की भुगतान है। यहाँ कर्मों की भुगतान भी है और नए कर्म भी बनेंगे। क्यों ऐसा है, कुदरत ने ऐसा क्यों किया है? कुदरत का एक ही कानून है
जहाँ कर्म बनाने की शक्ति दिया है वहाँ सभी प्रकार के कर्मों मिटाने की भी शक्ति वहीं दिया है। तो मोक्ष भी कहाँ से है? यहाँ से। और चारे गति में भटकना है वो भी कहाँ से? यहाँ से। चारों गतियों से मुक्ति पाना वो भी यहाँ से, और भटकना भी, तो कुदरत का कानून है, कोई व्यक्ति का कानून। ये कर्म मिटाने की बात कर रहे हैं आप, कर्म तो हमें भुगतना है, हमने कुछ बुरा किया है तो हमें भुगतना है, उसे हम मिटाएं कैसे? कर्म मिटाएं कैसे? अगर अज्ञान मिटाओगे तो कर्म नए नहीं बनेंगे, बस नए नहीं बनेंगे तो कर्म की भुगतान भी नहीं आएगी, जन्म मरण भी नहीं रहेगा। अज्ञान है कर्म है तभी तो कर्म की भुगतान है, अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है तो भुगतान भी, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। जन्म मरण की साइकिल बंद हो गई, इसको कहते हैं मोक्ष, कोई चमत्कार थोड़ी है। समझ में आए? ये जो आप भुगतान कह रहे हैं, हमारे मान ले हाथ पैर ठीक है, अभी इसमें कुछ लोगों को स्ट्रोक आता है या हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, अब ये भी भुगतान में हम समझें? और क्या है, जब आपका श्वासोश्वास खत्म होने वाला है तो कोई भी प्रकार से बंद हो सकता है ये मशीन। क्या बताया? ये मशीन है, हम नहीं है, हम जलने वाले नहीं है और जलने वाला है वो हम नहीं है। समझ में आया? ये मशीन है, नेचर मेड मशीन, कुदरत ने बनाया है। किसके लिए? कर्मों के भुगतान के लिए। ये एनिमल का मशीन बनाया, किसने बनाया? इंसान ने बनाया, कुदरत ने बनाया। नरगति का बॉडी किसने बनाया? कुदरत ने। देवलोक का बॉडी किसने बनाया? कुदरत ने। क्यों बनाया? कर्मों के भुगतान। नरगति बोलते हैं वो, फिर मतलब वो भी और एक जो जन्म लेंगे जाएंगे उसको नरगति बोलते हैं? नहीं, नरक गति क्या मतलब होता है? अगर भारी पाप किया है तो नरक गति के अंदर आपका जन्म होगा, बॉडी भी कुदरत देगी और भुगतान भी वहाँ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। जैसे यहाँ मनुष्य, मैंने कोई गुनाह किया तो मेरे को जेल में जाना पड़ता है, जेल में जाकर 10 साल की जेल खत्म करो, फिर वापस आ जाओ। तो वो गति अलग है, नरक और स्वर्ग इधर नहीं है। नरक इधर नहीं है, नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है। नहीं, मैं जैसे इन्होंने सवाल पूछा, हमने भारी पाप किया है, तो मान लीजिए हम पैदा हुए, हमारा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब जिंदगी में काफ़ी तकलीफ होगी, क्या ये भुगतान है? ये इसको हम नरक जैसे बोल सकते हैं? नहीं, अलग, इसको कुछ नहीं बोल सकते। हाथ पाँव नहीं है, और अगर तुम्हारा जन्म महल में हुआ है तो सब सुविधा आपके पास है, उन्हें चाहिए। नरक गति किसको बोलते हो? वो अलग कोई जगह है क्या? नरक गति का मतलब क्या है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की रचना कैसी है वो समझने की कोशिश करो। ऐसे जो ब्रह्मांड पूरा है वो ऐसे बना हुआ है, या बीच का भाग है वो हमारा मध्य लोक है जहाँ हम हैं, और इसके नीचे 7 नरक लोक हैं। तो जब कुछ कोई व्यक्ति, इंसान और दूसरों ने भी भुगतान नहीं कर सकते, ऐसे भारी कर्म बना देते हैं तो उसके लिए नरक गति है। और अगर कोई व्यक्ति अगर सुपर ह्यूमन हो जाते हैं, दूसरे का तो उनको दे देते हैं, खुद का भी वो दे देते हैं, वो सुपर ह्यूमन होते हैं, तो इनके लिए देवलोक है। और लेन देन इक्वल करता है उसके लिए मनुष्य है, और किसी को चीट करना, करप्शन करना, भेल सेल करना, अपनी ज्यादा बुद्धि से कम बुद्धि वाले को चीट करना, इसके लिए पशुता है। वहां जाके मजदूरी करो, कुछ मिलेगा नहीं, बस इतना खाना मिलेगा, पूरे दिन काम करो, क्योंकि आपने गलत तरीके से लोगों को लूटा है, तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। तो हम एनिमल बनते हैं तो क्या होता है, मजदूरी करनी पड़ती है ना, वो गाजी का बलद कैसा है,
पूरे दिन घूमता है, नहीं चलता है तो चामुक लगाता है, तो घूमना ही पड़ता है। फिर रात को ये यहाँ निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, फिर खाना है। इसके पहले देखो कर्म तो है। एक व्यक्ति ने अपने बैग को ऐसे लगाया था काम पे, कि काम पे लगाया बाद शाम को थक गए तो जल्दी से उन्होंने खाना तो डाल दिया, मगर ये सिक्का खोला अभी क्या होगा, पूरी रात इनको भूखा रहना पड़ा और दूसरे दिन काम करना पड़ा। देखो आप समझे, तो ऐसे संजोगों में भी कर्म बनते हैं, इसकी भुगतान भी। तो ये बात समझ लेती है, ऐसा कुछ नहीं। जन्म होता है औरत बनना या पुरुष बनना, ये दोनों बातें जो है वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। जिसके अंदर क्रोध और मान की मात्रा बढ़ जाती है, आप समझे, वो पुरुष बनते हैं, और कपट और माया बढ़ जाती है तो स्त्री बन जाता है। भुगतान तो वही करनी पड़ेगी, बॉडी अलग मिलती है, आप समझे। नहीं समझ में आया? तो क्या हम छोड़ दें कि इसके कर्म के हिसाब से होगा, या मान लीजिए किसी को पैसा फिजूल में खर्चा कर रहा है या कुछ गलत संवाद में पड़ रहा है, तो इसको समझाना हमारा धर्म है, समझाना अच्छा है, या ये अपने कर्म से ही जो होगा भुगत ले तो करके छोड़ देना, ये तो नहीं छोड़ सकते। आपको प्रयास करना चाहिए, फल सुनिश्चित है, मगर क्या है वो मालूम नहीं, तो प्रयास करो, सफलता मिल भी सकती है नहीं भी। वो उसके कर्म के हिसाब से, इसके कर्म के हिसाब से, पर प्रयत्न करना ही चाहिए हमको, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर परिस्थिति में करना। प्रयत्न अगर देखो, आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आपका अहंकार, वो मेरा कर्मों का फल है, वो स्वीकार। अगर आपने प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल मैंने तो इतना प्रयास किया, इसे और आगे मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी मेरा कर्म, यही कहते हैं ना। नहीं, प्रयास तो कोई भी करने वाला है, मेरा लड़का नहीं पढ़ रहा है तो हम उससे बोलेंगे तुम्हें पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, धंधा करता है तो ढंग से करना चाहिए। पर यदि हम मतलब ये ज्ञान ले लें कि उसके कर्म के मुताबिक ही होगा, तो प्रयास करना बेकार है क्या? प्रयास करना बेकार है ऐसा मत कहो, क्योंकि रिजल्ट क्या आने वाला है मालूम है? ये नहीं मालूम, तो इसीलिए तो प्रयास करते हैं। प्रयास का मतलब क्या है, आपको मालूम नहीं तो भी प्रयास करते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि ये आदमी कस्टमर आएगा मेरे पास से लाख रुपये माल लेगा, वापस देने वाला नहीं है, तो आप बेचोगे? नहीं मालूम है तो बेचते हैं, मालूम है तो कैसे बेचेंगे। मगर अगर पैसा ले गया, माल ले गया, पैसा नहीं देता है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रयास करने के बाद एक साल दो साल के अगर 5 साल प्रयास किया हमने, बार बार इसको फोन किया, एक दो बार साल में जाते भी थे, 5 साल तक मेहनत किया, फिर क्या कहेंगे लोग, तो छोड़ दो ना, आपके तकदीर में ही नहीं है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं कहेगा नहीं तुमने तो यार प्रयास भी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास करो, फिर सफलता नहीं मिलती है तो अपना तकदीर, तो वो अपना कर्म का फल है बस, फिर इसको किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत। तो ये प्रयास भी हमारे कर्म का ही फल है? प्रयास कर्म का फल ही है, मगर व्यवहार में उसको कर्म फल नहीं बोला जाएगा, नहीं तो लोगों की सोच गलत हो जाएगी। बोलने का अपना फल है। हाँ, वो भी हम पूछ रहे हैं कि हम
कुछ लोग ज्यादा प्रयास करते हैं, वो ठीक है अपने अपने संजोग होते हैं, कुछ लोग कितना सैक्रिफाइस कर देते हैं। जब बच्चे जब बच्चे की एग्जाम आ रही है तो माता पिता को बोलना चाहिए कि भाई ये तुमको पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और अच्छे मार्क लाना है। ये बार बार बच्चे को बोलना पड़ता है, ये प्रयास है। सब कुछ बोलने के बाद भी अगर वो फेल हो गया तो क्या करेंगे? वो उसके कारण का फल है। पर हमारा सवाल यह है कि जो प्रयास हम इस हद तक करते हैं वो भी हमारे कर्म का ही फल है। कर्म का ही फल है, मगर बोलना नहीं चाहिए कि हमारे कर्म का फल है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो व्यवहार नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे बच्चे को तुम प्रयास करोगे वो भी कर्म का फल है, तो विग्रह नहीं करूंगा मैं तो। तो व्यवहार में नहीं बोल सकते, व्यवहार में तो ये प्रयास करते रहो बस, फिर जो फल आता है रिजल्ट इसको एक्सेप्ट करो। कर्मण्येवाधिकार हस्ते माँ फले सु, आप कर्म करे जाओ, फल मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा कुछ भी हो सकता है, वो आपके कर्मों के ऊपर आधारित, आपके अभी के प्रयास के ऊपर आधारित नहीं है। ये हम मंदिर की बात कर रहे थे, अक्सर मंदिर में जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है अपने यहाँ कि लोग स्पेशल दर्शन में जाते हैं, मेरा मन नहीं मानता है इसमें, ये गलत है क्या? और हमारे पास टाइम नहीं रहता है, भगवान का दर्शन करना है 250 का टिकट ले लिया, 500 का टिकट ले लिया, जल्दी आ गया। पर जब सोच के देखते हैं कि इतने लोग पीछे खड़े हैं तो श्रद्धा का ही कुछ संकोच होने लगा, क्या ये सही बात है? ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशल लोग जाते हैं ऐसा देखिए सर, हाँ स्पेशल दर्शन सब जगह स्पेशल दर्शन है, अभी तिरुपति हमारे पास पूरा दिन नहीं है खड़ा होने। सिंपल बात यह है कि जिनको ज़्यादा पाप होता है उनको स्पेशल दर्शन ज़्यादा करना पड़ता है, जिन्होंने पाप बहुत ज़्यादा किया वो स्पेशल करेंगे, आम आदमी तो नॉर्मल पे जाएंगे, जिनको स्पेशल जैसा है नहीं उनकी लाइफ नॉर्मल है। स्पेशल दर्शन करना पाप है? पाप नहीं है, पापी लोगों को स्पेशल दर्शन करने की आवश्यकता होती है, स्पेशल दर्शन करना थोड़ी पाप। आप देखो जेल में जाना पाप है मगर कर्म किया है तो जाना ही पड़ेगा, वो भी कब? जब आप कानून के मुताबिक पकड़ में आ गए तो, नहीं आए तो वैसा भी हो सकता है, आप ऐसे ही नहीं गए तो हो सकता है, अभी तो नहीं किया है, कर्म में तो किया होगा तभी तो याद हो चुका है। और बोला वो पढ़ता है तो ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसा है एक जितना ये कुदरत के कानून समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा सब कुछ, धर्म क्या है, सच्चाई क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इस संयोग को कैसे मिलते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और प्रश्न करो, मैं बात नहीं करूंगा, समझ नहीं आता। ये यहाँ जितने दिन आओगे ने तो आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन आपको लगेगा कि ये तो मैंने सुना नहीं था, ये तो पढ़ा नहीं था, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी ही बात होगी, क्योंकि मैंने कहा मेरी बात क्या है बियॉन्ड फॉर्मेट, और आपके पास जो बात हो क्या है फॉर्मेट की है, जो परंपरा वाले मानते हैं उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो इससे कोई कंसर्न मेरी बात और ये फॉर्मेट से कंसर्न नहीं, तो कोई जगह मेरी नहीं खाएगा, एक ही बात में नहीं खाएगा, पूरा प्रिंसिपल ही गलत है। ये धर्म है, ये विज्ञान है, धर्म तो श्रद्धा से होता है और विज्ञान सिद्धांत से होता है, सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं होता है, श्रद्धा तो परिवर्तन हो सकती है, तो श्रद्धा टेम्पररी है और सिद्धांत परमानेंट, सबके लिए एक और कभी परिवर्तन नहीं होगा। श्रद्धा तो सबकी अलग अलग, उसके बाद भी परिवर्तन हो सकती है, समझ में आया?
प्रश्न करो। जैसे अभी वो चल रहा है पॉलिटिकली सीएनआरसी जो भी है, तो लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की जनसंख्या बढ़ गई तो लोग सबका कन्वर्जन करा देंगे या कुछ भी हो जाएगा। एक तो पागलपन ऐसा है, ये तो पागलपन, ये सोच ही पागलपन है, ये बहकाया भी नहीं, बहका नहीं कर रही है, लोगों को मिसगाइड करते हैं। क्या ऐसा वीडियो ज्यादा कि भाई जिहाद करेंगे, याद कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी है तो नमून का कम्युनिटी का ग्रोथ होते ही वो सबको मजहब चेंज करा देंगे, इसके लिए है, ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों ऐसे रेगुलर वीडियोज आते हैं तो वो सब विचार माइंड में चलते रहता है। ठीक है, सब अपना अपना, कोई व्यक्ति कानून को पढ़ो तो सही, तो पार्लियामेंट में पास हो गया है, संसद में पास हो गया है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, तो लोग लो अपोज कर रहे हैं। अपोज करना एक अलग बात है, पास हो गया मतलब क्या हुआ, सब ने स्वीकार किया है कि नहीं, मतलब मेजोरिटी ने, सब पागल है क्या? वो नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अभी जैसे मोमेंटम है, उनकी कम्युनिटी है, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बता रहे हैं कि 15 साल के बाद उनका मेजोरिटी 50% तक हो जाएगा इंडिया में, तो जब 50% हो जाएगा तो उनका ही सब चलेगा, तो वो लोग ऐसा मतलब करेंगे कि भाई सबको धर्म परिवर्तन कराने का ट्राई करेंगे या सबके ऊपर क्या बोलते हैं दुर्व्यवहार व्यवहार करेंगे, तो उसको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो वो सब क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? वो तो ठीक है, सरकार अपनी तरह से सोचेगी, धर्मगुरु अपनी तरह से सोचेगा, सोच तो सकते हैं, इसमें क्या है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास तो कर सकता है। अपने को क्या करना, अपने को तो कुछ नहीं, अपने को जो हो रहा है वो देखते रहो, सही बात है उसको सपोर्ट करो, गलत है वहाँ मौन रहो, बस सपोर्ट नहीं करो और क्या। तो ये भी हम क्या इसके सवाल में ये सोच रहे हैं कि जो हमारा कर्म है उसके मुताबिक होने वाला है, वो तो वही होगा, मतलब व्यवहार में तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसा होने के बाद हम इसको कहेंगे कि ये आपके तकदीर में लिखा था, होने के बाद पहले कैसे बोल सकते हैं, पहले कैसे बोल सकते हैं, क्या लिखा है हमको मालूम है, तो कैसे बोल सकते हैं? अगर मेरी कोई चीज मिट्टी मेरी गिर गई है जमीन के ऊपर अंधेरे में, तो मैं क्या कहूँगा, प्रयास करूँगा कि नहीं करूँगा, एक दो तीन घंटा प्रयास करूँगा फिर भी नहीं मिली तो मैं छोड़ देता, चलो भी बाद में प्रयास करूँगा, तो प्रयास तो करेंगे। समझ में आया, ये तो देश का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, समय लगेगा, संघर्ष होगा, वॉर भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ, फिर भी देश तो आगे बढ़ता रहेगा, मगर होगा, हो सकता है, जब कोई व्यक्ति के अस्तित्व का प्रश्न होता है तो संघर्ष तो रहेगा। कोई अभी जैसे ये सब चल रहा है तो माइंड में क्या है, दूसरे धर्म के बारे में गलत भावना आती है कि लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो जबकि आपने दादा भगवान ने क्लियरली बोला कि दूसरे कोई भी धर्म के बारे में नहीं करना चाहिए, मतलब सोचना भी नहीं है, बराबर है, थर्ड कलम में वो लिखा हुआ है, नौ कलम जी जी, लेकिन विचार ऐसे आते रहते हैं, ठीक है, बाईपास करते रहो, इतने साल से नहीं था, ये डेढ़ महीने से वो चलता है, न्यूज में देखते हैं, एक माहौल माहौल बनाया ना,
माहौल बना है तो फिर क्या करें, चलता रहे। उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? कुछ कुछ सोचे नहीं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे बस, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो और सबके मन में से दुर्व्यवहार दुर्भावना खत्म हो, और तो क्या कर सकते। हम कंट्रोल तो है नहीं, मगर भाव तो कर सकते हैं एज अ इंसान। बस उसके लिए अपने बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए? बच्चों को तो कुछ नहीं, बच्चों को तो एक है बस, आप ईमानदारी से जियो, अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान रखो, खेलो, ये सब बातें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े होने की बात की बात है और उस समय के संजोगों की बात है। आज संजोग है वो कल नहीं भी हो सकता है, तो आज से बताने से क्या फायदा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। बताना है तो ये बताओ उनका विकास कैसे होगा, वो बताओ कि उसकी उम्र ये है, पढ़ाई की उम्र है, विकास की उम्र है, खेलने की उम्र है, उत्साह उमंग से कैसे जिए, आनंद से कैसे जिए, वो बड़ी बात है। अन्य से टकराव नहीं करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बस वही वही सिखाना चाहिए, और क्या सिखाना चाहिए। ये तो पहले पॉलिटिक्स चंद व्यक्तियों के हाथ में था पहले, और आज सब लोगों के हाथ में आ गया है। पहले तो सोचता कौन था क्या होता है क्या नहीं, मतलब वोट दे दिया खत्म हो गया, किसी को पढ़ी नहीं किया, इस प्रकार का पॉलिटिक्स नहीं था। अभी हिंदुस्तान में रिवॉल्यूशन आ रहा है तो सबको जानना पड़ेगा, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन, तो संघर्ष तो रहेगा नहीं। एक्चुअली हर चीज में रेवोल्यूशन हो रहा है ऐसा लग रहा है, बिजनेस में भी, सब बिजनेस के सिस्टम्स में भी, पूरा देश बदल रहा है। देखो एक स्टेट की बात नहीं, तो संघर्ष तो रहेगा, 5 साल 10 साल 15 साल रहेगा, इसके बाद आपको अच्छा संजोग समय देखने को मिलेगा। और प्रश्न करो, जहां से एक्चुअल कमाई है वहां पे ध्यान जाता नहीं है, जैसे अपने दादा भगवान ने बोला है तो मोक्ष पाना है तो एक्चुअल कमाई कैसे करनी है, कैसे व्यवहार करना है, उस पर ध्यान जाता ही नहीं, रोज के एक्टिविटी में इतने घुस गए कि उसे बाहर नहीं आ पा। जैसे अभी सत्संग मिला तो महीना पर चार्ज रहती है बैटरी, फिर वापस बैठती खत्म हो जाती है, वापस उसी में घुस जाती है। तो क्वेश्चन अब वो तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी ना, बैटरी चार्ज ये मोबाइल में क्या करते हैं, रोज नहीं करते, रोज करते हैं ऐसे हमको सत्संग प्रत्यक्ष में मिलता है तो परोक्ष सुन सुन के इसका उपयोग करते करते हमारी बैटरियों को चार्ज करते रहना पड़ेगा, तभी तो काम में आएगी। कैसे होगा कि आज माहौल जो बाहर का है वो पूरे भ्रांति का माहौल क्या है, और हमारे विजन में सनातन सत्य है, मगर सनातन सत्य वाले संजोग कितने हैं, कम है, और भ्रांति के संजोग ज़्यादा है, तो हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा। अलग रहने की कोशिश करते रहने का है, अलग तो है, अलग रहने की कोशिश, मैंने कहा ना कि हमारा काम क्या है, जो मजबूत क्यों तो फंसे आप, विनाशी और अविनाशी दोनों अलग है, इसको अलग दृष्टि से रखना है, अनुभव करना है, बस छोटू पार पड़ जाओ ना नाम जा, वही तो, वही तो अलग करना है। पापा मैं तन्मय कर दे जवाई क्या है अगर उन्हें बुक तो आए ना,
शक्ति प्राप्त नहीं करनी है, हमारी विनाशी, हमारी विनाशी चीज़ों के पाछर जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वो विनाशी चीज़ों के पाछर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वही आपकी शक्ति रहेगी, वही आपकी शक्ति रहेगी। जैसे आपके पास बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है बैलेंस, अगर आप खा पी के जलसा कर दोगे तो 5 साल में खत्म हो गया। अगर आप इसका पद्धति से उपयोग करोगे तो पूरी लाइफ चलेगा, पैसा तो वही का वही है, ऐसा है। तो आत्मा की शक्ति तो वही होगी, मगर आप जो वेस्ट कर दोगे ऐसी बात होगी तो आप खुद शक्तिहीन हो जाओगे, क्योंकि शक्ति आपने संसार की चीज़ों में लगा दिया। अगर वही शक्ति को हमको बचाना है तो आत्मा में लगा दो तो मल्टीप्लाई होगी। बस वही तो वेस्ट होती है ना, जो नहीं है वो मानेंगे तो फिर क्या होगा। अगर ये मकान मेरा नहीं है, मैं कहूँगा मेरा है, तो फिर क्या होगा, एनर्जी वेस्ट ही होगी ना, ये तो बात है। समझ में आया? बोलिए। आपको पूछना है तो आप तो हम ये समझ ले हैं आपके कहने की कि हमारे अंदर जो भगवान है, अभी उसे हम आत्मा कहें या जो भी कहें, कुछ भी कहें, उसको सब कुछ मालूम है कि हमारा कर्म क्या था और हमें क्या भुगतना है और हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं, ये सब उसको मालूम है। और जो भी हम बुरा कर्म करेंगे या अच्छा कर्म करेंगे उसकी हम उससे छुप नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए इस जन्म में और पुराने कर्म का भुगतान भी हो रहा है तो उसको सब मालूम रहता है, तो उससे हम बच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। हम उससे छुपना भी चाहें तो हम उससे छुप नहीं सकते, नहीं सकते। और वो हमारे कर्म के मुताबिक जो कुछ भी है उसमें हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है और सब कुछ मालूम है, उसके उसके मुताबिक ही सब कुछ होने वाला है। यदि ये हम मान के चले हैं तो अभी हमें एक चीज़ का देखा था कि एडजस्ट करें करके कोई भी प्रॉब्लम है क्लैश में मत पड़े करके आपने बोला। अभी मान लीजिए इधर हम बैठे हैं, किसी ने आके कुछ कूड़ा करकट इधर जैसे कोई उसे पसंद नहीं है आके डाल के चला गया, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है उसको हम समझाते हैं, एक बार किया दो बार किया पर करते ही जा रहा है, तो उसको ढंग से समझाने से वो नहीं समझता है तो उस क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि उसको रोकें कैसे भी, तो ये तो क्लैश में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसको कैसे हम ट्रीट करें, कैसे हम इसका हिसाब लें? ये क्लेश जो बाहर क्लेश है वो कंपल्सरी है, अंदर का क्लेश नहीं होना चाहिए। बाहर का क्लेश कंपल्सरी है, जैसे राम को युद्ध करना पड़ा तो करना पड़ा, अंदर युद्ध नहीं करते थे तभी तो मुक्ति पाई। तो मतलब उसको हम रोकें या मारें ताकि ये ना करें, उसमें कोई गलत नहीं है, पर उससे हम परेशान ना होंगे। ये आपका कर्म का हिस्सा तो होगा, वो ही होगा। युद्ध नहीं करना है तो नहीं होगा, करना है तो होगा, आपके हिसाब में लिखा है वो ही होगा। अंदर हम बाहर के हिसाब से क्या लेना है अलग,
इसको चलाने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। इनके पास पास लेने की फ्रीडम नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो मान नहीं रहा है, उसको मारेंगे तभी वो बंद करेगा, तो ये ठीक है हमारा कर्म? कर्म ठीक है कि नहीं है प्रश्न नहीं है, प्रश्न कर्म का मतलब ही ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है कि सही है वो तो बुद्धि का प्रश्न है, मगर जो हो रहा है वो तो कंपल्सरी है। राम जब सीता ले गए तो रावण के साथ युद्ध किया, वो भी उदय कर्म, और महावीर को कान में खिला लगा कुछ नहीं किया, वो भी उदय कर्म। तो राम भी मोक्ष में गया, महावीर भी मोक्ष में गया, एक युद्ध करके गए, एक ने कुछ ऑपोज नहीं किया तो भी गए, तो हमें क्या क्रिया क्या फर्क हुई? क्या करना चाहिए हमें? कोई गलत काम हो रहा है, हमारी बुद्धि कहती है कि ये गलत काम है, तो उसे यदि हम समझा के अच्छी तरह से समझा के वो नहीं मान रहा है तो हम उसके अगेंस्ट फोर्स यूज कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि आप कुछ भी करोगे, अपोज करोगे, अपोज नहीं करेंगे, या दंडनात्मक कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके लाए हुए कर्मों के ऊपर निर्भर है, और उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। समझ में आया? नहीं, जो रिजल्ट होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप बता रहे हैं। सो हम मान लीजिए कोई आदमी गलत काम करता ही जा रहा है, हमें गलत लग रहा है, वो गलत काम कर रहा है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझता है, तो हम उसे मारते हैं, तो ये गलत है क्या? ये हम अपने ऊपर गलत कर्म का एडिशन कर रहे हैं उस भी, या उसे रोकने की? ये दुनिया में अगर आप इसके मालिक नहीं हैं और चलाने वाले नहीं हैं, क्या बताया? इसके मालिक नहीं है और इसके चलाने वाला नहीं है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो फिर गलत नहीं, अगर आप इसके मालिक हो और चलाने वाले हैं तो फिर गलत भी हो सकता है, और इसकी जिम्मेदारी आप पे आ सकती है क्योंकि आप मालिक हो। समझ आया कि नहीं? ऐसा है, जब कोई भी व्यक्ति मन वचन काया के मालिक नहीं होने के बावजूद भी मालिक बन गए, जब कोई भी व्यक्ति मन वचन काया को चलाने वाले नहीं है फिर भी चलाने वाले मानते हैं, तो वो जिम्मेदार भी है, वही उसकी अज्ञानता है, और उसी अज्ञान से कर्म बनता है। समझ में आया? क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं, अज्ञानता से कर्म बनते हैं। आया समझ में? ये बात रोज के व्यवहार में होता है। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, गाली दे दिया, ठीक है हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर यदि वो जबरदस्ती आकर हमें परेशान करता है, मारता है, हमें मालूम है कि वो गलत कर रहा है ऐसा, तो हमें उसके अगेंस्ट रिएक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बंद नहीं करने वाला है। तो ये तो एक हद तक ही मतलब हो सकता है कि हम समझाने की कोशिश करें या टॉलरेट करें, एक स्टेज के ऊपर यदि वो नहीं समझने वाला है, जान पहचान है या किसी वजह से कर रहा है, तो उसको यदि वायलेंस करके ही बंद करना है तो हमें करना पड़ता है, तो इससे कर्म नहीं बनने वाला है। करो या ना करो सब कंपल्सरी है, करो भी वो भी कंपल्सरी है, ना करो वो भी कंपल्सरी है, उसमें चॉइस नहीं है, मगर आप मानते हैं कि मैं करता हूँ, बस भी आपकी अज्ञानता है, उससे कर्म बनेगा, क्रिया से कर्म नहीं बनते, क्रिया से कर्म नहीं बनते, कर्म बनते हैं भाव से। कैसे बनते हैं? भाव से। तीनों व्यक्तियों ने जंगल में जाके तीर कामना से हिरण को मार दिया,
तीनों व्यक्ति घोड़े पे गए और तीन कामकाज से हिरण को मार दिया। तीनों व्यक्तियों ने तीन हिरण को मार दिया। पहला था शौकीन, क्या था शौकीन, दूसरा था शिकारी और तीसरा था कुसंगी। तीसरा था कुसंगी, संग वैसा रंग। तो तीनों व्यक्तियों ने हिरण को मारा, मगर तीनों व्यक्तियों का कर्म फल अलग अलग, क्रिया एक कर्म फल अलग। एक शौकीन था तो उन्होंने शौक से मारा और आनंद व्यक्त किया तो वो नर गति से कर्म बन गए। दूसरा था शिकारी था जो परिवार के पोषण के लिए मारा, तो वो भी ऐसे पंचेंद्रियों को मार के खा रहा वो पाशवता बनते हैं, तो वो पशु योनि में जाके कर्मों के भुगतान करेगा। पहला राक्षसी था, अब ये पशु योनि में जाके, और तीसरा व्यक्ति ने मारा और फिर ने प्रायश्चित किया, तो वो मनुष्य भूमि में आके कर्मों का फल भुगतान करेगा। तो तीनों क्रिया एक है, भाव अलग, तो भाव भी अलग। समझ आया, समझ में आया? तो ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी पहला। अभी तक तो गोल गोल समझा है, क्या करोगे? मैंने पहले भी कहा, तुमने जो कुछ पढ़ा होगा, जो कुछ भी सुना होगा, ये सब रिलेटिव सत्य हो जाएगा, ये सनातन सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रांति का ज्ञान है। दुनिया के हर धर्म के पास भ्रांति का ज्ञान है। क्या है? सच्चाई का ज्ञान जो है वो ज्ञानी पुरुष के दृष्टि में होता है। अगर वो शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें से भ्रांति निकल जाएगी। आप पढ़ोगे तो भ्रांति ही पक्की होगी, क्योंकि आप रिलेटिव सत्य से पढ़ते हैं और वो सनातन सत्य से। गीता सुनने के बाद अर्जुन का मोक्ष हुआ, क्या बताया? गीता पढ़ने के बाद अर्जुन का मोक्ष हुआ, वो शास्त्र कहते हैं। और आज गीता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले यहाँ घूमते हैं, किसी का मोक्ष नहीं, क्यों? उन्होंने वो समझा नहीं, वही तो बात है, सही समझ नहीं आई। पोपट राम राम बोलेंगे तो उसको क्या मतलब, पुण्य मिलेगा? तो शब्द से थोड़ी पुण्य है, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, भाव से है। हाँ, और भाव कैसे आएगा? आपकी सोच है तो भाव रहेगा, जब ज्ञान ही नहीं है तो भाव कैसे आएगा? जैसे भाव से भाव बिगड़ता है वो सही है, मैंने किसी के बारे में भाव गलत भाव किया है और मुझे वापस अच्छा ना करा है, ये नहीं सोचना था, गलत है, और ऐसे मैं माफी मांगता हूँ, तो वो पाप वही कटता है, माइल्ड हो जाता है, माइल्ड पतला हो जाता है, कम होता है, कटता नहीं, और उसी के बारे में सोच के माफी मांगने से 10 बार 15 बार जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, जरूरत। ये तो धार्मिक लोगों ने रिचुअल्स बना दिया, सही नहीं है ये प्रिंसिपल, सही नहीं है ये। कमजोर लोगों को संसार में रहने का साधन है, क्या बताया? कमजोर लोगों को संसार में रहना, जब मेरे को संसार में रहना है, पाप की भुगतान नहीं करनी है तो मैं पाप करूंगा, पाप करूंगा प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मेरे को दुख सहन, मगर मेरे को मोक्ष में जाना है, क्या बताया? तो कितनी भी गलती की है माफी नहीं मांगूंगा, मैं कर्म के भुगतान के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अज्ञान का नहीं स्वीकार करूंगा कि गलती मैंने किया है, माफी मेरे को मांगना है, ये दोनों अज्ञान का मैं नहीं स्वीकार करूंगा। गलती भी कुदरत ने करवाई है, और माफी मांगूंगा नहीं मांगेगा वो भी कुदरत का संयोग है, मेरी बात नहीं हुई, मैं मन वचन काय से मुक्त था, शुद्ध आत्मा, मेरे को अज्ञान पसंद नहीं है, मैं कभी जीवन में अज्ञान को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जाना है मोक्ष में। और अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, कौन सा सत्य? रिलेटिव वो अज्ञान है, मैंने किया वही तो अज्ञान है। कुदरत कहती है मैंने तो आपको श्वास लेने की भी शक्ति नहीं दिया है, सोचने की शक्ति तो अपने को है, किसी के पास नहीं है, सोचने की भी नहीं,
विचार आते हैं वो नहीं है, विचार सोच सब एक ही तो नो अलग चीज है। विचार का मतलब होता है आपको करना है कि नहीं करना है तो भी आते रहेंगे। सोच का मतलब होता है एक चीज के ऊपर अपने फोकस करके अपनी बुद्धि का उपयोग करें फिर डिसीजन लें कि ये सही है कि गलत है। मगर जो विचार आते हैं वो तो अपने आप आते हैं, हम तो सोचते नहीं है, हमको नहीं करना है तो भी आएगा। तो माइंड है, मन है, वो अपने आप चलता है, और सोच है इसमें आपका एफर्ट है, इसमें सार निकालते हैं आपकी सोच। कुदरती होता है विचार, कुदरती मन कुदरती है। अच्छा, मन में जो विचार चलते हैं वो कुदरती है, वो जो वो आना है वो आएगा, आएगा ही। और जो सोच आप कहेंगे मेरे को अच्छा विचार करना है तो भी नहीं आएंगे, आपको बुरा नहीं करना है तो भी आएंगे, जो आना वो आएगा, आपको नहीं करना है तो भी आएगा। आपके तो मैं थक गया हूँ, रात को सो जा रहा हूँ, 10 बजे गए चलता रहेगा, आपको नहीं करना है तो भी है कि नहीं अनुभव। जब हम करते भी नहीं तो आता है, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा कंट्रोल है तो स्विच की तरह बंद कर दो, मगर ऐसा है नहीं, नहीं है। तो विचार हमारे हाथ में नहीं है, मगर भाव करना, कोई भी वस्तु का एनालिसिस करना, ये हमारे हाथ में है। विचार करना वो नहीं, सार निकालना, अवस्थाओं में सार निकालना, ऑब्जर्व करके, ये स्वतंत्रता हमारे पास है विचार करने की। इसलिए कहा ना, भाव करने की सत्ता हमारे पास है, विचार करने की सत्ता नहीं। कोई अभी जैसे समझो अपन जैसे 15-20 साल जो भी गलतियां की है वो अभी नजर आ रही है, उसके बारे में अपन सोच सोच के अपन ने माफी मांग ली है, तो उसका तो कोई अपना पाप पुण्य कटने वाला है नहीं। आप ऐसे बता रहे जो होना वही होगा, वही होगा। तो मोक्ष जाने के लिए ये सब, मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये जो हो रहा है वो होने वाला है, वैसे एक तो डिटैचमेंट रहना रखना पड़ेगा, वैसे बना, रखना पड़ेगा जो हो रहा है उसको सिर्फ देखना है और मन में ऐसे रखना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मुझे से कोई ये नहीं है, संबंध नहीं है, वास्तव में भी नहीं है। हाँ सही है, और क्योंकि इसको जलाया जाएगा आप नहीं जलोगे तभी तो पुनर्जन्म होगा। तो आदमी तो कल तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, कि जलने वाला मैं नहीं हूँ, जी रहा है वो मैं नहीं हूँ, मर रहा है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। 30 साल तक जो भी पाप पुण्य किए हैं उसके बारे में ज्यादा सोच के मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर आपको संसार में सुख पाना है, दुख नहीं पाना है, तो माफी मांगनी जरूरी है। संसार से मुक्त होना है तो जरूरी नहीं है, रहना है तो जरूरी है। आप दुकान में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपकी गलती हो गई, बॉस ने बोल दिया कि तुम्हारी गलती हो गई है, हम कहेंगे नहीं हुई मेरी गलती, बॉस कहेगा तुम्हारी गलती हुई, हम कहेंगे नहीं हुई, अभी आपको निकल जाना है तो पकड़ के रखो, नौकरी करना है तो हाजी आकर क्यों क्या करेंगे, ये दुनिया में रहना है तो माफी मांगना पड़ेगा, दुनिया से मुक्त होना है कोई माफी की जरूरत नहीं। राम ने भी लाखों लोगों की हिंसा किया, मोक्ष में चलेंगे कोई माफी नहीं। अर्जुन ने भी हिंसा किया लाखों लोगों की, एक भी माफी नहीं, वही होता रहा मोक्ष। और हम चीटी बजाते या घूमते हैं, तो कोई तो प्रिंसिपल होना चाहिए ना कुदरत का, सबके लिए एक होगा कि अलग अलग, बस। तो उन्होंने फोकस कहाँ लगा, क्रिया पे नहीं, मैं कौन, उन्होंने अपना फोकस लगा दिया अज्ञान को मिटाने में, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, ये सब अज्ञान ने काटा दिया। तो फिर जब अज्ञान नहीं रहा तो कर्म कैसे बनेंगे, कर्म करने के लिए अज्ञान चाहिए, कर्म करने के लिए क्रिया नहीं चाहिए, क्रिया तो राम कसम मैं सबने किया था। अगर अगर राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया फिर भी मोक्ष में गए, पाप नहीं बना, और महावीर के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए तो भी पुण्य नहीं बना, समझ में आया कि नहीं। और उसका पाप बना होता तो भी जन्म लेना पड़ता, महावीर के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए, अगर इसको पुण्य बनता तो भी जन्म लेना पड़ता, मगर दोनों कहाँ गए, मोक्ष में। क्यों, क्योंकि दोनों में अज्ञान नहीं था,
तो सेंटर पॉइंट क्या आ गया? अज्ञान में। और व्यवहार में क्या कहते हैं? क्रिया कर्म। बस तो वही तो डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं ना कि आखिर ये दुनिया का सनातन सत्य समझोगे तब मालूम होगा। अभी तो आप सांप्रदायिक सत्य जानते हो, तो सांप्रदायिक सत्य में जो अपना संप्रदाय में बताया वही बताएंगे, मगर आपकी बात दूसरा संप्रदाय वाला एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरे वाला तीसरे का नहीं करता है, तीसरे वाला चौथे का नहीं करता है। ये तो सब पार्टीशन है, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। आज दुनिया में जितने भी भगवान हैं सब व्यू पॉइंट है, क्या है? सनातन सत्य नहीं। और इसीलिए दुनिया चलती रहती है व्यू पॉइंट से। हमारा जीवन भी व्यू पॉइंट है ना, इससे सुख होगा इससे दुख होगा, वही तो व्यू पॉइंट है। एक कहते हैं घूमने जाऊंगे तो आनंद होगा, एक कहते हैं घूमने में क्या प्रिया, घर में बैठो शांति से खाओ भगवान का आराम लो, आंखें बंद करके अंदर अंदर उतर जाओ उसमें आनंद आएगा। सबका अपना अपना क्या है व्यू पॉइंट है, जो कोई परमानेंट रूट थोड़ी है। एक कहता है मेरे को होटल में खाने में आनंद आता है, एक कहता है मैं होटल खाऊंगा नहीं, जो भी मिलेगा घर का खाऊंगा, आप चपाती सब्जी दे तो भी चलेगा मगर होटल का नहीं। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, क्या करेंगे, क्योंकि सनातन सत्य थोड़ी है कि तो खाना ना खाना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सबका व्यू पॉइंट है। और व्यू पॉइंट ही अज्ञान है, और वो अज्ञान को निकालना है। मैं कुछ कर सकता हूँ यही सबसे बड़ा अज्ञान है। क्या बताया? मैं कुछ कर सकता हूँ वही अज्ञान है। अगर मैं कर सकता हूं तो फिर मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी हुआ नहीं। अगर आप कर सकते हो तो होना चाहिए ना, वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने पहले तो कहा कि राम जी रावण को समझाने में फेल हो गए कि नहीं, कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हो गए, और महावीर गोसाल को समझाने में फेल हो गए, फिर भी जीवन में सफल हुए। क्योंकि सफलता निष्फलता जो बाहर की है वो तो उदय कर्मा है। इसमें आप समर्थ है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट, जब उदय कर्मा है तो कंपल्सरी होने ही वाला है, इसमें किसी की चलती नहीं। मगर जो कर रहे हैं इससे अलग रहना वो तो मैं रह सकता हूं, ये मेरी दृष्टि की बात है, या क्रिया की बात में कुदरत आती है, दृष्टि की बात में कुदरत नहीं आती। दृष्टि हमारी खुद की है और क्रिया कुदरत करवाती है। समझ में आया? मंदिर में देना पिया मगर पैसा पिया ले। क्या तो नौ मंदिर बनते हुए प्रति सतती होता पधराई देवा ये लोग बजे खत्म करना है, ये लोगों को भी काम करना है, ये लोग को दुकान पर भी जाना है। प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश
मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप को प्राप्त हो आप और हम अभेद भाव से